नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज की वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर में एक नया अपडेट आया है। अगर आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज करते हैं तो उसमें आप यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, डिश रिचार्ज, लाइट बिल्स, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज ऐड कर दिए गए हैं जिसमें आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने से पहले यहाँ पे कुछ अच्छे बेनिफिट भी हैं यहाँ पे और कुछ नुकसान भी है, उसके बारे में यहाँ पे पूरे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जो देखिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए, हम तो यहाँ पे जानेंगे कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, इसका यहाँ पे बेनिफिट आपको यहाँ पे कैसे मिलेगा कि आप यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, डिश रिचार्ज, लाइट बिल, प्लस यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो यहाँ पे धीरे धीरे ऐड कर दी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, फ्लिपकार्ट पे लेटर यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के साथ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जो आपको यहाँ पे लिमिट मिलती है वो IDFC फर्स्ट बैंक के साथ यहाँ पे मिलती है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके यहाँ पे सिविल में पर्सनल लोन शो होता है। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लस यहाँ पे डीएक्टिवेट करने के लिए मिल जाएगा, मतलब इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो आई बटन में मिल जाएगा। देखिए, फ्लिपकार्ट में यहाँ पे जब अप्लाई कर लेते हैं तो पर्सनल लोन शो होता है सिविल में। मेरा ये कहना है, जो मैं यहाँ पे बहुत से लोगों को बोला भी हूँ कि यहाँ पे डीएक्टिवेट करना चाहिए, यूज क्यों करना है, ये भी मैं यहाँ पे बता दूँ। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, पहले से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अगर है तो इसको ना ही यूज करो तो अच्छा है, या तो अगर कोई भी पेलेटर नहीं है तो ये यूज कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा पेलेटर रखना भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी जिनका यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं है, पेलेटर कुछ नहीं है, तो ये पेलेटर यूज करिए, उनके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। बहुत अच्छा बेनिफिट इसलिए है क्योंकि यूज करेंगे पहली बार तो अप्लाई करेंगे, जो भी लिमिट मिल रहा है उनको 500,000 जो भी यहाँ पे मिल रहा है, तो यूज करते करते इनके बाद पहली बात यहाँ पे सिविल पे यहाँ पे पर्सनल लोन्स होगा, पर्सनल लोन से यहाँ पे सिविल थोड़ा यहाँ पे जनरेट होगा, जनरेट होते यूज करते करते यहाँ पे इंक्रेस होगा, इंक्रेस तो होगा, लिमिट भी इंक्रेस होगा, प्लस यहाँ पे सिविल स्कोर भी इंक्रेस होगा। इससे ये तो दोनों फायदा हो रहा है, इससे एक और फायदा होगा, IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से यहाँ पे पर्सनल लोन प्लस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का आपको ऑफर दिया जाएगा। ये बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन सुविधा है जिससे मुझे भी यहाँ पे बेनिफिट मिला था। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब कहाँ पे मिलते रहता है, तो आपको अगर यूज़ करना है तो यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। बट यहाँ पे अप्लाई करने का और यहाँ पे डीएक्टिवेट करने का परमानेंटली इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। IDFC से रिलेटेड जो यहाँ पे थोड़े से अपडेट थे, मैंने सोचा पहले आपको बता दूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इस अपडेट के लिए आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन अपडेट कर लेना है। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन हमेशा यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आता है अपडेट, उसका अप्डेट करके रखिए, अपडेट कर लीजिए आप यहाँ पे प्ले स्टोर से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। देखिए, हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लीजिए, लॉगिन है तो ठीक है, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा, फ्लिपकार्ट का यहाँ पे डैशबोर्ड आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे आपका सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। बट यहाँ पे हमको यहाँ पे जाना है माई अकाउंट वाले ऑप्शन में आ जाना है, या तो क्रेडिट का ऑप्शन अगर आपको नीचे दिख रहा है तो वहाँ पे आ जाना है। अगर क्रेडिट का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है न्यू लॉन्च, ऊपर ही आपको यहाँ पे दिया गया क्रेडिट ऑन फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे बहुत से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह, IDFC ये सब का यहाँ पे रहता है, अच्छे खासे ऑफर भी चलते रहते हैं। लेकिन न्यू सर्विस जो यहाँ पे आई है, न्यू लॉन्च यहाँ पे दिया गया, यूटिलिटी बिल पेमेंट मेड इजी विथ फ्लिपकार्ट पे लेटर, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड, गैस, वाटर, ये सब एजुकेशन के जितने भी है यहाँ पे, मतलब अदर यूजिंग फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्रेडिट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे माई अकाउंट वाले ऑप्शन में आ जाना है, थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है, माई अकाउंट पे आना है। माई अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे लोडिंग लेता है, उसके बाद आपका यहाँ पे पूरा अकाउंट का डिटेल दिखेगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, फ्लिपकार्ट प्लस से सब कुछ आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपका लिमिट शो होगा। अगर क्रेडिट वाले ऑप्शन नीचे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर यहाँ पे दिखेगा, आपका लिमिट जो रहेगा वो दिख जाएगा, करंट यहाँ पे अवेलेबल लिमिट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, करंट अवेलेबल लिमिट दिखेगा। प्लस एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, लिमिट तो आपको यहाँ पे दिखेगा, इसमें यहाँ पे देखिए बेनिफिट क्या है फ्लिपकार्ट पे लेटर का, फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज क्यों करना चाहिए इनके तरफ से जो है, उसके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया इंस्टेंट रिफंड होगा। इंस्टेंट रिफंड कैसे होगा कि मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ परचेस करते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर रिफंड यहाँ पे उसको रिटर्न करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इंस्टेंट रिफंड हो जाता है क्योंकि उनके तरफ से ये भाई तुरंत यहाँ पे रिफंड करेंगे। 0% इंटरेस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है 30 दिन के लिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे वन क्लिक पेमेंट, जो भी यहाँ पे लेटर सिस्टम होता है उसमें OTP वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, कभी काल यहाँ पे हाई पेमेंट पे लग जाता है। इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर, जैसा मैंने आपको बता दिया पहले, यहाँ पे इम्प्रूव होगा क्रेडिट स्कोर।
प्लस यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे दिया है, इंक्रीज योर लिमिट फास्टर। लिमिट यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे इंक्रीज करता है। यहाँ पे दिया गया पे योर बिल्स ऑन मतलब ऑन टाइम एट लेटेस्ट 3 times। मतलब आप यहाँ पे लगातार अगर यूज करते 3 बार अगर अच्छा पेमेंट कर दे तो आपका यहाँ पे लिमिट भी इंक्रेस हो जाएगा। ये यहाँ पे बेनिफिट इनके तरफ से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बेनिफिट तो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है बेनिफिट यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे दिए जाते हैं, बल्कि आपके यूज के ऊपर है। तो अब हम पे समझते हैं यहाँ पे जो अपडेट आया है। तो आप वहाँ पे देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर पर, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बैनर दिखाई दे रहा है। नीचे यहाँ पे दिया गया पे योर हाउस होल्ड बिल, यहाँ पे भारत का ऑप्शन यहाँ पे लोगो दिया, उसके नीचे यहाँ पे दिया गया पे योर हाउस होल्ड बिल। तो उसके नाम नीचे यहाँ पे नाउ का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, पे नाउ का ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे ही पे योर हाउस होल्ड बिल्स वगैरह फ्लिपकार्ट ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा। बिल पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए दिया गया ऑल कैटेगरी यहाँ पे दिया गया, एंजॉय फास्टेस्ट वे टू बिल पे बिल्स यूजिंग फ्लिपकार्ट पे लेटर बैलेंस। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर से बैलेंस से तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल पोस्टपेड, गैस बिल, लैंड पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड, वाटर, इंश्योरेंस, क्लब एंड एसोसिएशन, एजुकेशन, हाउसिंग सोसाइटी, म्यूनसिपल टैक्स, हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी, केबल टीवी सब्सक्रिप्शन, म्यूनसिपल यहाँ पे सर्विसेज, बहुत से यहाँ पे जितनी सारी सर्विसेज अभी ऐड की है। इन फ्यूचर अगर अच्छा यहाँ पे यूज होता है तो आगे भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और भी सारी सर्विसेज। अभी तक तो यहाँ पे मोबाइल में यहाँ पे जो रिचार्ज है पोस्टपेड का ही यहाँ पे ज़्यादातर ऐड हुआ है, प्रीपेड का अभी तक नहीं दिख रहा है, ठीक है, प्रीपेड में अभी कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, सब पोस्टपेड में दिख रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी आपको भरना है, इलेक्ट्रिक बिल भरना है तो वो भी आप यहाँ पे पेड कर सकते हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रिक बिल में यहाँ पे क्लिक कर देना है, पूरी सर्विसेज यहाँ पे जो जो दिख रही है वो यूज कर सकते हैं आसानी से। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे पेड करना तो वो पेड कर सकते हैं, गैस का बिल पेड करना है तो वो पेड कर सकते हैं। मतलब आपके ऊपर है डिपेंड कि आपको क्या करना है, वो सब यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं सर्च करके जितने भी यहाँ पे लिस्टेड है। तो आगे भी और सारी सर्विसेज आ सकती हैं। ऐसा क्यों कर रहा फ्लिपकार्ट यहाँ पे अपडेट लाने का एक ही यहाँ पे मकसद है। पहला तो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन यूज होगा, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का यूज होगा। दूसरा यहाँ पे फ्लिपकार्ट जो पे लेटर है वो भी यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, उसका यहाँ पे यूज ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। ये भी है क्योंकि यहाँ पे फ्लिपकार्ट का यूज अभी तक सबसे पहले यहाँ पे जब आया था तब यहाँ पे फ़ोनपे के साथ यहाँ पे यूज होता था, फ़ोनपे एप्लीकेशन के साथ हम यूज कर लेते थे, कुछ भी करते थे, मोबाइल रिचार्ज या जो भी, मतलब ए टू जेड सर्विस यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फ़ोनपे पे थे हम फ्लिपकार्ट पे लेटर से यूज कर लेते थे। बस यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र छोड़ के और एयर मनी वगैरह छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज यहाँ पे हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट से यूज करते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे उसको बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद यहाँ पे ऐसा हो गया कि फ्लिपकार्ट पे बस यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे ही जो भी रहेगा वो यहाँ पे कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, ये सब कर सकते थे। तो यूजेस थोड़ा यहाँ पे डाउन हो गया क्योंकि यहाँ पे फ़ोनपे पे था तो यहाँ पे यूज करते थे, रिचार्ज वगैरह लाइट बिल ये सब भर देते थे। लेकिन इस पे बस यहाँ पे परचेस करेंगे तभी देना पड़ेगा, यहाँ पे बिल पेमेंट होगा ये सब होगा, लेकिन जब परचेस ही नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहता था। इसी कारण मैं भी यहाँ पे क्लोज करा दिया क्योंकि यहाँ पे 2 साल से कुछ यूज ही नहीं करा था तो मैंने यहाँ पे क्लोज करा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज ये सब यहाँ पे करेंगे तो उससे आपका यहाँ पे सिविल भी इंक्रीज होगा, प्लस यहाँ पे क्रेडिट स्कोर भी यहाँ पे बढ़ेगा और IDFC की तरफ से यहाँ पे आपको अच्छा खासा ऑफर भी मिलेगा अगर आप यहाँ पे टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं। तो ये अच्छा अपडेट आया है, मेरे हिसाब से अच्छा अपडेट है, इससे यहाँ पे यूजेस भी बढ़ेगा और यहाँ पे ऑफर्स भी इंक्रीज होंगे। तो कैसा लगा आपको ये अपडेट इसके बारे में यहाँ पे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।